पिपला नगर पंचायत के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बेसा परिसर में 20 जनवरी से 22 जनवरी तक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सोमवार को इस कार्यक्रम का समापन संपन्न हुआ। इस दौरान शहर की कई नामचीन हस्तियां उपस्थित थी। बेसा पिपला ग्राम पंचायत का नगर पंचायत में तब्दील होना और तेजी से विकास के पथ पर दौड़ना अपने आप में बड़ी बात है। बेसा पिपला नगर पंचायत के बाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। आने वाले एक साल में इसका और तेजी से कायाकल्प होकर राज्य की पहली विकासशील नगर पंचायत साबित होने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ साल में बेसा पिपला को सभी रूप से परिपूर्ण करने का प्रयास रहेगा। उक्त विचार बेसा पिपला नगर पंचायत के प्रशासक भारत नंदनवार इनके द्वारा किए गए। सर्वांना जय श्री राम। आज आपला बेसा पिपला महोत्सवाचा तीसरा दिवस आणि आज स्वामी समर्थांचं महानाट्य आपण आयोजित केलेलं आहे। अशक्य ही शक्य करतील स्वामी या महानाट्याची टॅगलाईन आहे। आणि इथे या तीन दिवस चाललेल्या सोहळ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद बेसा पिपळामधील नागरिकांकडून लाभलेला आहे आणि सर्वांना याचा आनंद घेता आलेला आहे। बरेच नागरिक इथे उपस्थित झाले आणि जे नगरपंचायतने आयोजन केलेलं होतं त्याचा लाभ घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये काल सन्माननीय बावनकुळे साहेब आणि सन्माननीय आमदार साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाले होते। माजी सदस्य ग्रामपंचायतचे आणि बरेच पदाधिकारी इथे दररोज हजेरी लावत आहेत। त्यामुळे या कार्यक्रमाचा एक यशस्वी आपण म्हणू शकतो ते यशस्वीपणे पार पडत आहे। आज याचा शेवटसुद्धा आहे आणि मी सर्वांना सर्व नागरिकांना असं सांगू इच्छितो की गेल्या वर्षाभरात जी कामं आपण केली असाच कामांचा ओघ नगरपंचायतमध्ये चालू राहील आणि पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा चांगल्या भव्य प्रमाणात आपण हा महोत्सव साजरा करूयात असं मी सर्वांना नगरपंचायत तर्फे मी सांगू इच्छितो। इस उपलक्ष्य में बेसा नगर पंचायत की ओर से 20 से 22 जनवरी तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें धमाल कॉमेडी, स्वामी समर्थ महानाट्य, हल्दी कुमकुम आदि कार्यक्रम शामिल थे। पहले दिन गायिका केतकी माटी गाकर व अनिरुद्ध जोशी द्वारा सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई, तो दूसरे दिन बाईपन भारी देवा फिल्म दीपा परब और महाराष्ट्र की हास्य जत्रा के कलाकारों ने हाजिरी लगाई। तीसरे दिन श्री स्वामी समर्थ महानाटिका की प्रस्तुति की गई, जिसमें स्वामी समर्थ की मुख्य भूमिका में सुनील गोंड से थी। इसका निर्देशन श्री कुमार और अनिकेत मुंशी ने किया था। वहीं इस नाटिका का लेखन गौरव खोन द्वारा किया गया था, जिसका लाभ परिसर के नागरिकों ने लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है सुनील गोंड से। इनसे आइए डालते एक नजर। बेसा पिपला नगर पंचायत को एक साल पूरा हुआ है और इस मौके पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कला एवं सांस्कृतिक आयोजन किया गया है यहाँ पे और आज का इसका तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस भी श्री स्वामी समर्थ इनकी महानाटिका यहाँ प्रस्तुत होने वाली है और जिनमें मेन कैरेक्टर में जो है श्री स्वामी समर्थ के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि सर क्या बताओगे, आज जो है आप यहाँ परफॉर्म करने वाले हो, इससे पहले भी आपने किया है, क्या बताओगे? इसके पहले लगभग 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, और हम लोगों ने जम के तालीम की थी और एक शो भी हुआ था और दूसरे ही दिन से लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से आगे नहीं कर पाए, लेकिन स्वामी जी की इच्छा थी तो आज मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं वापस वही किरदार निभाऊँ। नागपुर आए हो, नागपुर में आपको स्टेज पर ये शो करना है, क्या बताओगे इस बारे में, किस तरह से मतलब आपने इसको किया है या प्ले जो करने वाले उसकी रिहर्सल किस तरह से हुई है, क्या बताओ? वैसे तो नागपुर में मेरा दूसरा एक प्ले चल रहा है सागरा प्राण तळमळला, उसके 4 शो हो चुके हैं और नागपुर में मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस नाटक की वजह से आज मैं बेसा पिपला गांव में पहली बार शो कर रहा हूँ। और इस शो में मुझे भी स्वामी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और है, और हमारे जो डायरेक्टर है अनिकेत मुंशी और सारंग जी, इन दोनों ने मुझे पूरा बताया स्वामी जी के बारे में और उस हिसाब से मैंने उनके साथ रिहर्सल की। आप एक टीवी एक्ट्रेस भी हो, एक्टर हो, तो क्या बताओगे, जैसे हमें यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस देना है और वहाँ रिकॉर्डेड होता है, तो क्या मतलब बताओगे इसमें किस कैसा लगता है आपको परफॉर्मेंस? वैसे नाटक हो, टीवी हो या फिल्म हो, एक्टिंग ही होती है, लेकिन
जब हम थिएटर करते हैं तो उसमें आपको रिटेक का कोई मौका नहीं रहता है। जो गलती करो या अच्छा करो वो एक ही बार करनी है आपको। सीरियल्स और फिल्म में रिटेक करने को मिलता है कि भाई चलो गलती हो गई वापस एक बार कर दे, लेकिन थिएटर में वो संभव नहीं है। आज ये जो शो होने जा रहा है आपका, मतलब महानाटिका प्रस्तुत करने वाले हो, क्या बताना चाहोगे? मेरी सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि अभी आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही है, ये टेलीकास्ट होगा कल, उसके बाद में तो लोगों को ये रहेगा कि भाई हम देख नहीं पाए तो ये शो वापस कब आएगा। तो ये आयोजकों को ही पता है कि वापस वो शो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेसा पिपला गांव के लोग, जो लोग हैं जो आज यहाँ देखने आएंगे, वो भाग्यशाली रहेंगे और बाकी लोग भाग्यशाली नहीं है ऐसा नहीं मैं कहूँगा, किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए होंगे, लेकिन उनके लिए शायद नागपुर में इसका फिर से एक शो हो सकता है। लग रहा है आज जो है राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में और आज आपको यहाँ नाटक भी प्रस्तुत करने मिल रहा है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज ऐसे दिन मुझे यहाँ ये नाटक और स्वामी जी का रोल करने को मिल रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और शायद ये स्वामी जी की कृपा है कि जिसकी वजह से मुझे ये रोल करने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज जो है आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जो है महानाटिका जो है श्री स्वामी समर्थ ये आज प्रस्तुत होने वाली है और इनके कलाकार हमसे अभी हमने उनसे बात की और जल्द ही ये जो है प्रस्तुतिकरण होने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।